आज मैं जन सरोकार के मंच पर इन कविताओं का पाठ करूंगा। वे कविताएं मेरे दूसरे कविता संग्रह किस किस से लड़ोगे की होंगी। ये कविता संग्रह पिछले ही साल यानी 2022 में सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। संग्रह पे अच्छी चर्चा हुई, वरिष्ठ आलोचकों, लेखकों ने, युवा लेखकों ने, कवियों ने बहुत ही सराहना की। कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने आलोचना की, मतलब सराहना और आलोचना दोनों को मैंने एक ही भाव से लिया और वह भाव ये था कि मुझे अब इससे आगे की बात करनी है। मैंने उस सराहना और आलोचना को जिम्मेदारी के भाव से लिया। पिछली बार जन सरोकार के मंच पे जिन कविताओं का मैंने पाठ किया था वे कविताएं पिछले 4-5 महीनों के दौरान जो लिखी गई कविताएं थी उन कविताओं का पाठ किया था, नई कविताएं थी। लेकिन आज मैं जन सरोकार पे ये मैं दूसरी बार आ रहा हूं। दूसरी बार देवेंद्र जी ने कहा कि आप फिर कुछ कविताएं पढ़िए, तो मैं जिन कविताओं का पाठ करूंगा वे कविताएं किस किस से लड़ोगे संग्रह से ली गई हैं। अब बगैर वक्तव्य के मैं कविताओं का पाठ करना शुरू करता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा तो तुम जीतोगे कैसे, मैं हार नहीं मानूंगा तो तुम जीतोगे कैसे, मैं रोऊंगा नहीं तो तुम हंसोगे कैसे, मैं दुखी दिखूंगा ही नहीं तो तुम सुख की अनुभूति करोगे कैसे, मैं ताली ही नहीं बजाऊंगा तो तुम ताल मिलाओगे कैसे, मैं अभिशप्त नायक ही सही, मैं अभिशप्त नायक ही सही, लेकिन तू तो खलनायक से भी कम नहीं, मैं खुददारी की प्रतिमूर्ति ही सही, लेकिन तू तो किसी पतीत से कम नहीं, माना कि प्रकृति भी मेरे साथ नहीं, लेकिन प्रकृति भी तो सदैव तेरी दास नहीं, तुम मुझे क्या अपमानित करोगे, तुम मुझे क्या अपमानित करोगे, तुम तो खुद सम्मानित नहीं, तुम मुझे औकात में क्या रखोगे, तुम्हारी खुद की तो कोई औकात नहीं, तुम मुझे क्या डराओगे, तुम तो खुद डरते हो मुझसे, मेरे ऊपर तुम क्या शक करोगे, मेरे ऊपर तुम क्या शक करोगे, विश्वास तो तुझे खुद अपने ऊपर भी नहीं, तुम मेरा रास्ता क्या रोकोगे, तुम्हारा रास्ता तो अपने आप है बंद होने वाला, मेरी इज्जत तुम क्या उतारोगे, तुम्हारी इज्जत तो है खुद तार तार, तुम मेरा इतिहास क्या खंगालोगे, तुम्हारा इतिहास तो खुद है दाग दाग, मैं राहु का वंशज ही सही, मैं राहु का वंशज ही सही, लेकिन तुम भी तो चंद्रमा के रिश्तेदार नहीं। दूसरी कविता का शीर्षक है संगठन। ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर हत्यारे को नायक कह देता है, भूमिहार भूमिहार के नाम पर बूचर को दूसरा गांधी कह देता है, राजपूत राजपूत के नाम पर बलात्कारी को क्लीन चीट देने लगता है, कायस्थ कायस्थ के नाम पर भ्रष्टाचारी को संत कहने लगता है,
बनिया बनिया के नाम पर यत्र तत्र मूदने लगता है, जाट जाट के नाम पर खापों को न्याय संगत ठहराने लगता है, गुर्जर गुर्जर के नाम पर सर फोड़ देता है, यादव यादव के नाम पर अपराधियों की दुहाई देने लगता है, कुर्मी कुर्मी के नाम पर बस्तियां उजाड़ देता है, कोयरी कोयरी के नाम पर खून का प्यासा हो जाता है, चमार चमार के नाम पर अछूतानंद को दलितों का सबसे बड़ा कवि मानने लगता है, खटिक खटिक के नाम पर उदित राज को सबसे बड़ा दलित नेता मानता है, पासवान पासवान के नाम पर रामविलास पासवान को एक मुफ्त वोट दे देता है, वाल्मीकि वाल्मीकि के नाम पर वाल्मीकियों को ही असली दलित मानता है, और मीना मीना के नाम पर आदिवासियों का सारा डकार जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या भारत में जाति से भी बड़ा कोई संगठन है? तीसरी कविता है इंडिया मींस कास्ट। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जाति पे लिखी हुई कविताओं का ही आज ज्यादा पाठ करने जा रहा हूं। इंडिया मींस कास्ट, स्वीडन में उनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा था, स्वीडन में उनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा था, लंदन से उनके लिए बुकर प्राइज की घोषणा की जा रही थी, लंदन से उनके लिए बुकर प्राइज की घोषणा की जा रही थी, फिलीपींस में उनके नाम पर रेमन मैगेसेसे पुरस्कार के लिए विचार विमर्श चल रहा था, ऑक्सफोर्ड में उनके नाम पर चेयर स्थापित की जा रही थी, हार्वर्ड में उनकी राइटिंग्स और स्पीचेज को सिलेबस का हिस्सा बनाया जा रहा था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनको पिछली शताब्दी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट करार दे रही थी। लेकिन उसी वक्त इंडिया में गूगल पर उनकी जाति सर्च की जा रही थी। अगली कविता का शीर्षक है हेडलेस पोएट्री। एक क्षत्रिय ब्राह्मण ने कहा कि हम क्षत्रिय जो होते हैं वे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी ब्राह्मण शूद्र। एक वत्स भूमिहार ने कहा हम वत्स जो होते हैं वे भूमिहारों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी भूमिहार अधम। एक चौहान राजपूत ने कहा हम चौहान जो होते हैं वे राजपूतों में सबसे बड़े होते हैं और बाकी राजपूत नीच। एक अम्बष्ट कायस्थ ने कहा हम अम्बष्ट जो होते हैं वे कायस्थों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी कायस्थ निम्न। एक भगत कलवार ने कहा कि हम भगत जो होते हैं वे कलवारों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी कलवार अंत्यज। एक कृष्णायत यादव ने कहा हम कृष्णायत जो होते हैं वे यादवों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी यादव कमीन। एक अवधिया कुर्मी ने कहा हम अवधिया जो होते हैं वे कुर्मियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी कुर्मी चांडाल। एक मौर्य कोयरी ने कहा हम मौर्य जो होते हैं वे कोयरियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं
और बाकी कोयरी अज्ञात कुलहीन। एक बालियान जाट ने कहा, हम बालियान जो होते हैं वे जाटों में सर्वोच्च कुलोत्पन्न होते हैं और बाकी जाट शूद्राति शूद्र। एक नागर गुर्जर ने कहा, हम नागर जो होते हैं वे गुर्जरों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी गुर्जर अछूत। एक रविदासीय चमार ने कहा, हम रविदासीय जो होते हैं वे चमारों में ब्राह्मण होते हैं। एक रविदासीय चमार ने कहा, हम रविदासीय जो होते हैं वे चमारों में ब्राह्मण होते हैं और बाकी चमार अस्पृश्य। एक मधेसी पासवान ने कहा, हम मधेसी जो होते हैं वे पासवानों में राजपूत होते हैं और बाकी पासवान पिछड़े। एक नावड़िया खटिक ने कहा, हम नावड़िया जो होते हैं वे खटिकों के राजा होते हैं और बाकी खटिक उनकी प्रजा। एक किसकू आदिवासी ने कहा, हम किसकू जो होते हैं वे आदिवासियों में शेर होते हैं और बाकी आदिवासी गेदर। जिस देश को इतनी जातियों और उपजातियों में बांट दिया गया हो और जहां पर एक ही जाति के कुछ लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा बताते हो और अपने ही भाई और अपने ही भाई बंधुओं को अधम और नीच, उसके लिए भारत क्या खाक सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा होगा। अगली कविता इन कविताओं से थोड़ा हटके, उदाहरण इसका शीर्षक है, उसने 25,000 के कपड़े खरीदे, 20,000 के जूते, 80,000 के गहने खरीदे और 20,000 के खिलौने। उसने 10,000 के फल फूल भी खरीदे तो 20,000 के मेवा मिष्ठान। ये सब खरीदारियां उस दोस्त के सामने होती रही जिसको फकत 2,000 की दरकार थी, कर्ज के रूप में। मुंह खोलकर बोला था उसने, लेकिन आंखें नम कर चला आया। अगली कविता है, कैसा देश कैसे कैसे लोग। कल तक जो बलात्कार करते आया है और बलात्कृत स्त्री के गुप्तांगों में बंदूक चला देते आया है, कल तक जो अपहरण करते आया है और फिरौती की रकम न मिलने पर अपहृत की आंखें निकाल कर और गोली मार कर उसको चौराहे के पेड़ पर लटका देते आया है, कल तक जो राहजनी करते आया है और राहगीरों को लूटने के बाद उनके परखचे उड़ा देते आया है, कल तक जो बात की बात में बस्तियां दर बस्तियां फूंक देते आया है और विरोध नाम की चू तक भी होने पर 10 बस्तियों को और फूंक देते आया है, कल तक जिसे दुनिया के तमाम बुरी शक्तियों के समुच्चय के रूप में समझा जाता रहा है और लोग बाग जिसके विनाश के लिए देवी देवताओं से मन्नतें मांगते आया है, आज वही छाती पर कलश जमाए लेटा है दुर्गा की प्रतिमा के सामने।
उसकी बगल में दुर्गा सप्त शती का सस्वर पाठ किया जा रहा है, भजन और कीर्तन हो रहे हैं, लोग भाव विभोर नृत्य कर रहे हैं, उसकी आरती उतारी जा रही है। अग्नि में घृत धूमन और सरण डाले जा रहे हैं, घंटी और घंटाल बज रहे हैं, दूर दूर से आए दर्शनार्थी अपने हाथों में फूल माला नारियल आदि लिए उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उसके पैरों में अपने मस्तक को टेक रहे हैं और करबद्ध ध्यानस्थ एक टंगा प्रतीक्षा कर रहे हैं उससे आशीर्वाद के लिए। ये कैसा देश है और यहां कैसे कैसे लोग हैं। अगली कविता है साहित्य में आरक्षण। अखबार के भी वही संपादक बनते हैं, गोष्ठियों की भी वही अध्यक्षता करते हैं, चैनलों पर भी वही बोलते हैं, प्रधानमंत्री के भी शिष्टमंडल में वही विदेशी दौरा करते हैं, लाखों के भी पुरस्कार वही बटोरते हैं, वाचिक परंपरा के भी लिविंग लीजेंड वही कहलाते हैं, महान पत्रकार महान संपादक महान आलोचक महान कवि महान लेखक भी वही कहलाते हैं। और साहित्य में आरक्षण नहीं होता ये भी वही बोलते हैं। छोटी सी कविता स्त्रीवादिनी। मोहतरमा मिश्रा भी है और झा भी और स्त्री विमर्श की कवित्री भी।